आपने विराट कोहली वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने उनका एक फैशन सीक्रेट बताया है, वो बताया है फिटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आपने मुझे भी बहुत बार देखा होगा फिटिंग का राग गाते हुए, फिटिंग 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 फिटिंग। लेकिन पॉइंट इज कि फिटिंग सही होनी कैसे चाहिए, तो ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में। जब भी आपको फिटिंग का ख्याल आएगा, आपको इस वीडियो का ध्यान आएगा। खुद शायरी। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैंट, करिए फिर शुरुआत। चलो फिर इस वीडियो में जो हम बातें करेंगे वो बहुत छोटी छोटी होंगी, लेकिन वो छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े काम करके जाएंगी। और ये आपको कहाँ मिलेंगी? सिर्फ बी कैंट में मिलेगी। तो गर्मियाँ आने वाली हैं, तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा हम लड़के क्या पहनते हैं? टी शर्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टी शर्ट्स के बारे में। टी शर्ट्स दो तरह की होती हैं, वी नेक टी शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट्स। अगर हम वी नेक टी शर्ट्स की बात करें, देन मेरे भाई एक नुस्खा है, वो क्या है कि आपकी जो वी नेक है उसकी लेंथ सिर्फ हमारे यहाँ तक होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है, देन मेरे भाई अपने क्लीवेज के तुम खुद जिम्मेवार हो। वहीं अगर हम राउंड नेक की बात करें, देन उसका भी एक ही रूल है जो बहुत आसान है। जब आप अपनी टी शर्ट लेने जाओगे, सिर्फ आपको इतना करना है कि जब आपने टी शर्ट पहननी है और वो राउंड नेक है, सिर्फ यहाँ पे एक उंगली रख के देखो। अगर एक उंगली का डिस्टेंस है परफेक्ट, आपके साइज़ के हिसाब से नेक है, अगर उससे ज़्यादा है, देन मेरे भाई थोड़ा साइज़ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें हमारे शोल्डर की, शोल्डर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे हम टी शर्ट की बात कर लें, चाहे हम शर्ट की बात कर लें, और चाहे हम कोट पैंट की बात कर लें, चाहे हम जैकेट की बात कर लें। लेकिन इन सभी पे रूल एक ही काम करता है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा ये चीज़ और ये चीज़ डिफ्रेंशिएट होती है, और जहाँ पे हमारा यहाँ के टी शर्ट पे जोड़ लगा होता है, आपका टी शर्ट का जोड़ वहीं पे आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे हाफ स्लीव्स की लेंथ की बात करें, देन मेरे भाई जहाँ से हमारी ट्राइसेप शुरू होती हैं, आपकी जो हाफ स्लीव टी शर्ट है उसकी लेंथ वहीं तक होनी चाहिए। अगर हल्की सी लंबी है तो आप कुछ इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो, वो नहीं कि आपके दोनों तरफ इधर से दोनों तरफ पैराशूट बन रहे हैं। पैराशूट नहीं बनने चाहिए। अगर आपके दोनों तरफ पैराशूट बन रहे हैं, देन मेरे भाई आप स्किनी हो, आप हाफ स्लीव टी शर्ट्स पहनने की बजाय फुल स्लीव टी शर्ट्स पहनो। अब वहीं अगर लेंथ की बात करें, देन जहाँ पे हम अपनी बेल्ट बांधते हैं उससे हल्की सी नीचे। अब बात करते हैं शर्ट्स के बारे में। वैसे तो बहुत तरह की शर्ट्स होती हैं, इन पूरी शर्ट कलेक्शन के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो शर्ट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्मल शर्ट और कैजुअल शर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल शर्ट्स के बारे में। शोल्डर, वही ट्रिक जो मैं पहले टी शर्ट्स में बता चुका हूँ, लेकिन फॉर्मल शर्ट में मेरे भाई आपकी आर्म्स की लेंथ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो ये कि मैंने बहुत से भाइयों का देखा है कि जो उनकी जो फॉर्मल शर्ट होती है वो हमारी जो ये रिस्ट होती है यहाँ पे आके इकट्ठी हो रही होती है। मेरे भाई यहाँ पे आपकी फॉर्मल शर्ट इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी सही लेंथ है फॉर्मल शर्ट की, आर्म की लेंथ की, वो ये है कि वो आपकी रिस्ट पे आके सिर्फ एक ब्रेक डाले, उससे ज़्यादा नहीं। ब्रेक कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही फोल्ड आए, हल्का सा, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और वहीं अगर हम कॉलर से बात करें, देन मेरे भाई जब भी आप शर्ट लेने जाओ, शर्ट पहनो, पूरी ऊपर से अच्छी तरह बंद करो और अपनी दो उंगलियों को ना ऐसे घुमा के देखो। अगर दोनों उंगलियां अच्छी तरह बिल्कुल परफेक्टली घूम रही हैं, देन वो शर्ट आपके लिए है, वरना साइज आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैजुअल शर्ट्स की। शोल्डर का रूल सेम, आर्म्स लेंथ का रूल सेम है जो हमने टी शर्ट्स में बोला था, लेकिन यहाँ पे कैजुअल शर्ट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है उनकी लेंथ, जब हम उन्हें टक नहीं करते हैं। एक सिंपल सा रूल आपको बताऊंगा जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ वो कैजुअल शर्ट आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। वो ये है कि जब हमारी कैजुअल शर्ट का जो यहाँ से राउंड कट होता है ना, वो जो हमारी ये पॉकेट होती है ये बिल्कुल उसके आसपास होना चाहिए। दैट्स इट। अगर ऊपर है तो शर्ट छोटी है, अगर उससे नीचे है तो शर्ट लंबी है। इतना आसान तरीका बी कैंड का अपना बनाया हुआ है।
अब बात करते हैं शॉर्ट्स की, क्योंकि गर्मियों में शॉर्ट्स भी तो पहननी है। पर्सनली गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स पहनता हूँ, अगर आप मुझे गर्मियों में मिलोगे ना ऐसे तो मैंने शॉर्ट ही पहनी होगी। इसका एक रूल है, बहुत आसान रूल है, वो ये है कि अपनी शॉर्ट पहनो, अगर उसकी लेंथ नीज के नीचे है देन मेरे भाई वो लंबी है, अगर उसकी लेंथ नीज वाली हड्डी से ऊपर है देन मेरे भाई वो छोटी है। उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, जो हमारी नीज होती हैं उनके बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, दैट्स इट। छोटे छोटे जुगाड़, लेकिन यही छोटे छोटे जुगाड़ आपकी लुक को देंगे फाड़, देन आप कहोगे ऋषि रोड़ा है हमारा यार। अब बात करते हैं हमारी जीन्स और पैंट के बारे में, जो मेरे बहुत से भाइयों ने गलत पहनी होती है। भाई आपकी जीन की फिटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर आपने जीन से अपनी लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करना है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी नई जीन लेने जाओ जीन पहनो और ऐसे तीन उंगलियां रख के देखो, अगर तीन उंगलियां बिल्कुल सही हैं देन मेरे भाई वो जीन आपके आगे से ना ऐसे एक अजीब सी तरह से इकट्ठी नहीं होगी जब आप बेल्ट बांधोगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ पे हम जीन लेने जाते हैं वहाँ पे पहनने की जगह नहीं होती, देन उसका भी एक जुगाड़ है, वो ये है कि जीन बंद करो देन जो हमारी ये आर्म होती है इसको ऐसे कर दो, अगर तो ये बिल्कुल सही आ रही है देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जीन बिल्कुल सही आएगी। अगर हम वही बात करें कि हमारी थाइस से उसका साइज़ क्या होना चाहिए, भाई ये हमें फिटिंग करवानी ही पड़ती है, आपको बाज़ार से ऐसी जीन बहुत कम चांसेस है मिल जाए। कैसे करवानी है वो ये है कि आपके थाइस और जीन के एक तरफ जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ 0.5 इंच से लेके 1 इंच तक दोनों तरफ, दैट्स इट। अब ऐसे ही बिल्कुल टेलर को बोलो कि वैसे ऐसे ही वो थाई से लेके बिल्कुल नीचे तक चला जाए। ये जीन की फिटिंग और पैंट की फिटिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, इसमें आपको 2-3 ट्राइज या डिफरेंट टेलर ढूंढने पड़ेंगे जो आपको आपकी पसंद के हिसाब से एक पूरी फिटिंग दे सकें। और अगर एक बार आपको मिल गई वो जीन, कहीं किसी को देनी नहीं है, अपने पास ही रखनी है, क्योंकि वही फिटिंग हमने दोबारा दोबारा करवानी है, हर बार हर किसी टेलर को नहीं समझाया जाता। तो ये थे हमारे बी कैंड के कुछ छोटे छोटे जुगाड़ जिससे हम अपनी फिटिंग करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंड, डोंट फॉरगेट टू बी कैंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, पंजाबी चैनल पे आ जाओ, ब्लॉग फाड़ आ रहे हैं।